हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका डिफेंसिव रिसर्च स्पेशलिस्ट सब्सिडियरी फॉर बैक स्टॉक। सो गाइस, आज है 17th अप्रैल 2022 और इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं, बाजार का ट्रेंड किस तरह का रह सकता है और किस तरह के जोखिम इस हफ्ते के बाजार में हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सेकेंड वीक है और 17 अप्रैल सेकेंड वीक है अप्रैल महीने का और कई सारे बड़ी कंपनीज़ के जो रिजल्ट हैं क्वार्टर फोर के वो यहाँ पर अनाउंस होने वाले हैं। तो अभी बाजार के अंदर एक्साइटमेंट रिजल्ट का रहेगा, बट एक फियर फैक्टर यहाँ पर भी काम करने वाला है और वो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर अभी यहाँ पर चल रहा है। तो उसके अंदर अभी थोड़ा सा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अभी थोड़ी सी और जो उसकी सिचुएशन है वो अभी ख़राब हो सकती है। बिकॉज़ अभी आपने देखा कि मरियोपोल के अंदर ऑलमोस्ट कई सारे इलाके पर, 90% से ज़्यादा इलाके पर ऑलरेडी यहाँ पर रशिया जो है कब्ज़ा कर चुका है और ऐसे में रशिया यहाँ पर अब धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है यूक्रेन को। और मॉस्को से यहाँ पर धमकी आई है, वार्निंग आई है यूक्रेन के लिए कि इसके जो सैनिक हैं वो इसके सरेंडर कर दें। कल सुबह 6 बजे के मॉस्को के टाइमिंग के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर के आई थिंक 12 या 2 बजे तक समथिंग ऐसे उन्होंने टाइम दिया है कि उनके जो सैनिक है यूक्रेन के वो सरेंडर कर देंगे तो उनकी वहाँ पर जो है कुछ रिलीफ उनको मिल जाएगा, उनकी सेफ्टी को लेकर के उन्होंने अज्योरिटी दी है रशियन सोल्जर्स ने रशिया मॉस्को से। तो अभी यहाँ पर जो वॉर है दूसरा महीना चल रहा है और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो शांति की संदेश है वो अभी फ़िलहाल कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे में जैसे हमने देखा है कि रशिया स्वीडन को और भी एक दो कंट्री को वहाँ पर धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आपने इसकी यूक्रेन की लगातार हेल्प की तो ऐसे में आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ऐसा अगर हो जाता है और ये वॉर फिर से यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाती है तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 होने की जो पूरी पूरी आशंका यहाँ पर नज़र आ रही है। और अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीने की कहानी है, यहाँ पर कम से कम 6 से 7 महीने का अभी ये सारा का सारा सिनेरियो बना रहेगा पूरे जियोपॉलिटिकल के अंदर। तो अभी इसीलिए हमारे बाज़ार इस हफ्ते बेसिक रिजल्ट का यहाँ पर एक एक्साइटमेंट रहेगा बाज़ार में, बट इतना ज़्यादा रिएक्शन हम लोगों को फिलहाल कंपनीज़ के शेयर प्राइस के ऊपर या फिर बाज़ार के ऊपर आता हुआ नहीं दिखाई देगा जैसे कि हमने लास्ट वीक भी देखा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे बाज़ार जो है निफ्टी अगर हम लोग देखें तो 54 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 599 पॉइंट्स के आसपास की ओपनिंग हुई थी, 663 के आसपास बाज़ार गए थे और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है प्रीवियस 530 का जो हाई बनाया था निफ्टी ने 17500 का जो क्लोजिंग था लास्ट उसके नीचे ही यहाँ पर बाज़ार ने हमको क्लोजिंग दिया। सेंसेक्स की बात की जाए तो 237 पॉइंट से गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो प्रीवियस जो बाज़ार हमारा क्लोज हुआ था निफ्टी बैंक 37747 के लेवल के आसपास क्लोजिंग थी, जिसके मुकाबले में जो क्लोजिंग है वो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले नीचे हुई है लगभग 284 पॉइंट्स के साथ। तो बाज़ार यहाँ पर थोड़े से बेयरिश ट्रेंड के साथ हमारे बाज़ार बंद हुए। जिसके बाद अमेरिकन बाज़ार की हम लोग क्लोजिंग देख लेते हैं 14 अप्रैल की, तो यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर 117 पॉइंट्स की तेज़ी है, नैस्डैक के अंदर 188 पॉइंट्स की गिरावट और S&P 500 के अंदर लगभग 19 पॉइंट की गिरावट के साथ बाज़ार बंद हुए। तो ये दो बाज़ार जो है कि बेयरिश ट्रेंड में है और इसके अलावा डाउ जोन के अंदर थोड़ा सा बुल ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। तो अभी यहाँ पर जो बाज़ार है अमेरिकन वो एक डायरेक्शनल मूव हम लोगों को अभी फ़िलहाल बाज़ार के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है इस हफ्ते भी। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन मार्केट में, लंदन के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखी गई, पेरिस मार्केट में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, फ्रैंकफर्ट डैक्स के अंदर भी लगभग 90 पॉइंट्स की तरफ तेजी है। तो यूरोपियन मार्केट थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। इसके बाद एशियन मार्केट की बात की जाए तो जापान के अंदर माइनस में है 78 पॉइंट के साथ, हांगकॉन्ग की मार्केट पॉजिटिव है, चाइनीज़ मार्केट जो है नेगेटिव है। तो अभी एशियन मार्केट में भी कुछ बाज़ार माइनस में है, कुछ बाज़ार प्लस में है। तो ग्लोबल मार्केट अभी यहाँ पर एक क्लियर हम लोगों को डायरेक्शनल मूव का इंडिकेशन फिलहाल नहीं दे रही। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं FIS और DIS का डेटा अभी क्या कहता है। लास्ट हफ्ते में FIS ने लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है और DIS अगेन फिर से खरीदारी करते हुए नज़र आए। एक बार देख लेते हैं कि अभी लास्ट फ्राइडे का डेटा कैसा था, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये है 13 अप्रैल का डेटा, यहाँ पर FIS ने कैश मार्केट में बिकवाली की है लगभग 2061 करोड़ की एंड इंडेक्स ऑप्शन के अंदर ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी करके गए हैं लगभग 7383 करोड़। अब आपको याद होगा जब भी हमने आपको बोला कि जब भी आपको ये दो कंडीशन यहाँ पर मैच करते हुए दिखाई देती हैं तो उसके बाद बाज़ार का जो नेक्स्ट ट्रेंड रहता है वो बाज़ार का कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड हम लोगों ने देखा है, ऐसा 100 में से 90% केसेज में देखा गया है। तो कल के बाज़ार की जो एक्सपेक्टेशन है वो बाज़ार हो सकता है कि अगर कल गैप अप भी दे जाए उसके बाद हो सकता है कि बाज़ार आपको डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ क्लोज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बार इसका कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग PCR का रेशो चेक कर लेते हैं, PCR का रेशो क्या कहता है निफ्टी का और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। सो ये हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के PCR का रेशो 21st अप्रैल 2022 का। यहाँ पर जो PCR का रेशो है 0.54 का है,
ये हमारे लिए फेवरेबल है, इसको हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव है डेटा हमारे लिए। यहाँ से पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका जो तो PCR का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉल राइडिंग हम लोगों को देखने मिल रही है 18,500 वाले स्ट्राइक प्राइस पर। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ओपन पोजिशन बिल्ड अप हुई है, लगभग 51,04,650 शेयर्स के लिए अकेले यहाँ पर लास्ट सेशन जो हमारा रहा है उसके अंदर पोजीशंस बन के गई हैं लगभग कितना 51,04,650 शेयर्स के लिए। और टोटल में अगर हम लोग देखें तो लगभग 57,58,000 के आसपास है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग हुई है और इसीलिए हमारे बाज़ार हो सकता है कि आपको कल एक डिप दे और 18,000 वाले लेवल देखा जाए तो यहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेश पोजिशन बिल्टअप हुई है कॉल राइटिंग दबा करके हुई है लास्ट वाले सेशन के अंदर। और ये जो कॉल राइटिंग करके गए हैं डेफिनेटली यहाँ पर FIIs की तरफ से डेटा देखा जा सकता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अभी यहाँ पर एक अलार्मिंग बैल है कि कल हमारे लिए थोड़ा सा बाजार आपके लिए नेगेटिव ट्रेंड दिखा सकता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का हम लोग 21 अप्रैल की एक्सपायरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका PCR रेशियो है वो इसका 0.7 का है, तो देखा जाए तो ये भी ठीक है, बॉटम के आसपास है। बट मैक्सिमम जो पोजिशंस यहाँ पर बन रही हैं यहाँ भी हम लोगों को कॉल की साइड में ज़्यादातर पोजिशंस बनते हुए दिखाई दे रही हैं। 38,000 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि हम लोगों ने आपको मंडे वाले या फिर ट्यूसडे वाली वीडियो आई थी जो लास्ट हमारी निफ्टी के ऊपर, जिसके अंदर आपको बोला भी गया था कि 38,000 वाला जो लेवल है ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा, काफ़ी बड़ा रजिस्टर काम अभी करने वाला है बाज़ार के लिए। तो अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो हमारा एक्सपायरी है वो है जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 37,500। यहाँ पर जो PCR रेशियो है लगभग 1 के आसपास जा चुका है और इमीजिएटली कल हमारे लिए बाज़ार में एक रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, इमीजिएट रेजिस्टेंस है 37,500। अगर हम इसके आसपास कहीं पर ओपन हो सकते हैं तब भी वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। नीचे के लेवल पर हम लोग आते हैं तो नीचे के लेवल पर हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट खड़ा हुआ है जो कि हमारे लिए है 37,000 का। 37,000 वाला हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस का बढ़िया सपोर्ट हमको देखने में मिल सकता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से निफ्टी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये है निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, यहाँ से ये है आपके सामने निफ्टी का टेक्निकल चार्ट। तो बाज़ार जब यहाँ पर एक इसने टॉप बना लिया था, काफ़ी बढ़िया रिकवरी बाज़ार ने यहाँ से ली थी, तो उसके बाद बॉलिंगर बैंड आप देख रहे होंगे, बॉलिंगर बैंड के एकदम ऊपर टेस्ट करा था बाज़ार और इसीलिए आपको बोला भी गया था उसी उसकी रीज़न यहाँ पर वाली कैंडल बनी थी ग्रीन वाली कि बाज़ार जो है आपको इस गैप अप जो हुआ है यहाँ से बाज़ार ने गैप अप लिया है इसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। बट इतना नीचे आएगा हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इसका 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 डेमो है और उसके नीचे बाज़ार ने यहाँ पर इस हफ्ते में क्लोजिंग दी है। बट अच्छी बात यह है कि जो 20 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर क्लोजिंग बाज़ार हमको देता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर बाज़ार यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से 20 डेमो के हिसाब से बाज़ार अगर यहाँ से और फिसल जाता है, 17,400 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को कल बाज़ार तोड़ देता है तो यहाँ से 17,400 से लेकर 350 का ये एक इमीडिएट सपोर्ट का रजिस्टर काम करने वाला है बाज़ार के लिए कल। इसके नीचे अगर बाज़ार फिसलता है तो हम लोगों के लिए उसके बाद दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है और वो 17,000 का लेवल हमको बाज़ार दिखा सकता है। एक बार हम लोग यहाँ से स्टॉकास्टिक भी चेक कर लेते हैं बाज़ार का। स्टॉकास्टिक के हिसाब से बाज़ार ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास जा चुका है। MACD की अगर हम लोग बात की जाए तो MACD ऊपर से नेगेटिव इसने क्रॉसओवर लेना भी स्टार्ट किया है, तो अभी यहाँ पर और गुंजाइश है गिरने की बाज़ार के अंदर। ADX की बात की जाए तो ADX में अभी यहाँ से जो गिरावट हुई है उसके हिसाब से भी अभी ADX का कर्वेचर जो है 28 के आसपास है। 28 के आसपास होने का मतलब ये है कि अभी भी बाज़ार के अंदर गिरने की संभावना है, 20 पॉइंट्स तक बाज़ार गिर सकता है। एंड इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, तो चार में से जो तीन टेक्निकल एनालिसिस है वो हम लोगों को बोल रहे हैं कि बाज़ार अभी थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है। वॉल्यूम तो ठीक ठाक आ ही रहा है बाज़ार के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से हम लोग देखें तो अभी हमारे लिए बाज़ार के लिए स्टॉप लॉस हम लोगों को जो फॉलो करना है बाज़ार में कल के दिन 17,350 का हम लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि बाज़ार अगर इसको तोड़ देगा तो उसके बाद हमारा जो नीचे की साइड में जो टारगेट आपको बाज़ार दे जाएगा, बाज़ार आपको 17,100 का लेवल टेस्ट करा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 17,100 का लेवल हम लोगों को ट्यूसडे के दिन भी देखने के लिए मिल सकता है बाज़ार के अंदर। और 17,100 के आसपास बाज़ार आता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा बाय रेंज हो सकता है। तो हमारे लिए एक बढ़िया बाय रेंज कौन सी होने वाली है अगर बाज़ार आता है इस रेंज के अंदर 16,900 से लेकर के बाज़ार हमारे लिए 17,100 के रेंज में आता है तो ये हमारे लिए बढ़िया बाय करने की रेंज हो सकती है, क्योंकि बाज़ार इसके हिसाब से जो इसका PCR रेशियो है वो इसका लगभग 0.3 के आसपास आ जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर बाज़ार जो है इससे ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आती। तो अभी यहाँ पर हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि बाज़ार कल जो है 17,375 के आसपास आकर के वापस घूमेगा तो फर्स्ट टारगेट बाज़ार हमको जो दिखा सकता है 17,450 का, देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बाज़ार हमको जो दिखाएगा वो इसके अंदर आएगा 17,500 का, और इसी तरीके से 17,540 का टारगेट हम लोगों को कल बाज़ार दिखा सकता है। ये तो थे आपके लिए निफ्टी के लेवल। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए। अब देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक और अपडेट है, वो है क्रूड ऑयल को लेकर के।
तो जैसे कि आप लोगों को बोला गया था कि क्रूड ऑयल अभी इतना जल्दी नीचे नहीं जाएगा, क्रूड ऑयल वापस ऊपर जाएगा। हालांकि क्रूड ऑयल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जरूर तोड़ा 11 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को जो क्रूड ऑयल ने लो बनाया था, यहाँ से लगभग क्रूड ऑयल ने लगभग 7071 का लो यहाँ पर बनाया था क्रूड ऑयल ने। और आप लोगों को मैं बोला था कि क्रूड ऑयल का 7200 से लेकर के 250 के आसपास बाज़ार यहाँ से वापस क्रूड ऑयल का ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो बाज़ार ने सपोर्ट को तोड़ा 17, लेकिन 7000 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा, और यहाँ पर एक डबल बॉटम बना चुका है बाज़ार, वापस 8000 के ऊपर क्लोज हुआ है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल एक बार फिर से हम लोग को 9000 का लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए जो जितने भी शेयर्स गिरे हैं क्रूड ऑयल की वजह से, वो सभी के सभी शेयर्स जैसे ONGC का हो गया, रिलायंस का हो गया शेयर, उन शेयर्स के अंदर हम लोग को तेजी वापस आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं तो USD डॉलर्स के ऊपर। तो USD डॉलर्स का जो रेट है 76.32 के आसपास आ चुका है, तो ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार वीकली बेसिस पर देखा जाए तो 2 हफ्ते से लगातार गिरता हुआ जा रहा है। तो ये हमारे लिए बाज़ार के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर का काम करने वाला है। एंड इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से सीधा SGX निफ्टी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जो बाज़ार हमारा निफ्टी क्लोज हुआ था 17475, SGX निफ्टी 17300 के आसपास हमारा क्लोज हुआ था। तो हो सकता है कि बाज़ार अगर SGX निफ्टी के हिसाब से अगर खुलता है कल, तो हो सकता है कि 17100 का लेवल बाज़ार आपको कल के दिन ही दिखा जाए। ये हमने लिख दिया हिंदी में, कल के दिन ही आपको दिखा सकते हैं, तो अलर्ट रहना। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। तो देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये इसका 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 10 DMAs को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ के हिसाब से बाज़ार का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये इसका निकल करके आता है 37350 का। 37350 का सपोर्ट लेवल है, बाज़ार ने इसको पिछले पूरे हफ्ते तोड़ा भी नहीं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो कल लेकिन उम्मीद है कि बाज़ार इसको तोड़ करके नीचे निकल सकता है, और नीचे निकलता है तो कितना लेवल तक बाज़ार दिखा सकता है। इससे पहले देखिए ये जो कैंडल बनी थी ग्रीन कलर की 1 अप्रैल को, इस कैंडल में बाज़ार ने जो हम लोगों को क्लोजिंग दिया था 37148 का क्लोजिंग दिया था, और लो जो बनाया था बाज़ार ने 36242 का क्लोजिंग बाज़ार ने जो है लो बनाया था उस दिन, 36242 का लो बनाया था। लेकिन बाज़ार उसके बाद रिकवर किया, लगभग 900 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बाज़ार बंद हुआ था। तो अभी बाज़ार के लिए यही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये सपोर्ट कौन सा है हमारे लिए, ये हमारे लिए जो सबसे पहले सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए दिन बाज़ार में 37000 का फर्स्ट हमारे लिए सपोर्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा 36850 से लेकर के 925 का, और स्ट्रॉन्ग जो बाय जोन हो सकता है बाज़ार के लिए, ये हमारे लिए रह सकता है 36600 का। 36600 का स्ट्रॉन्ग हमारे लिए बाय जोन रहेगा अगर बाज़ार इसके बीच में आ जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से PCR का जो रेशो है 3.3 के आसपास आ जाएगा, 0.3 के आसपास। और कल हमारे लिए जो उम्मीद है बाज़ार की, बाज़ार हो सकता है कि 37100 के आसपास है, और उसके बाद बाज़ार वापस से रिवर्सल ले, थोड़ा बहुत आपको रिवर्सल के मोड में जब बाज़ार आएगा तो आपको वापस से 37200 के, 37325 के, और 37500 प्लस तक के टारगेट बाज़ार कल के सेशन में आपको दिखा सकता है। तो उम्मीद है कि बाज़ार कल थोड़ा फर्स्ट गैप डाउन लेकर के, फिर उसके बाद कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड देकर के, फिर उसके बाद बाज़ार हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश करे। सो ये गाइस कल के लिए फिलहाल बाज़ार को लेकर के हमारा क्लियर कट ओपिनियन। इसके अलावा आपके जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।